हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस अप्रोच। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वह रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, देखिए क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर एक्स की वैल्यू 6ab/a+b है तो हम लोगों को यह वैल्यू फाइंड करनी है। आप देख रहे होंगे, तो ठीक है, हम लोग देखिए क्या करेंगे। x को x बाई 1 कर लीजिए और 6 को लिख दीजिए 2 × 3 और 3 को a के साथ रख लीजिए और 2 को b के साथ रख लीजिए। ध्यान से देखिएगा, 6 को स्प्लिट कर दीजिए 3 × 2, 3 को a के साथ रखिए, क्यों, रिजल्ट को देखते हुए। अब देखिए 3a × 2 है यहाँ 2b, जब आप साइड चेंज करेंगे तो ये 3a डिवाइड में जाएगा, मतलब x अपॉन 3a इक्वल्स टू 2b अपॉन a प्लस b। अब आप कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा लीजिए तो आपको मिलेगा x प्लस 3a अपॉन x माइनस 3a इक्वल्स टू 2b में ये जोड़ेंगे, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो आ जाएगा 3b+a और 2b में से माइनस करेंगे तो b-a आ जाएगा और ये मान लीजिए कि फर्स्ट है। ठीक, अगेन सिंस x इक्वल्स टू 6ab/a+b है, अब की बार हम a के साथ 2 रखने वाले हैं और b के साथ 3 रखने वाले हैं, रिजल्ट को देखते हुए, और डेनोमिनेटर में कोई चेंजिंग नहीं है, x मतलब x अपॉन 1। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा x अपॉन 3b और राइट हैंड साइड मिलेगा 2a/a+b। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देते हैं तो x प्लस 3b अपॉन x माइनस 3b, ऊपर में क्या होगा 2a+a+b, तो 3a+b हो जाएगा और डेनोमिनेटर में 2a में से माइनस करेंगे तो ये -b हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए b-a है, यहाँ पे a-b है, हम चाहते हैं यहाँ b-a करना तो b-a मैं कर देता हूँ लेकिन यहाँ पे माइनस में कर लेता हूँ तो 3a+b। अब मैं इसको सेकेंड कर लेता हूँ। यहाँ ज़रा देखिए, हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है यहाँ पे प्लस है, 1 का लेफ्ट हैंड साइड ज़रा देखिए, 2 का लेफ्ट हैंड साइड ज़रा देखिए, ये देखिए और ये देखिए, यहाँ पे प्लस है, मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 और 2 को ऐड कर दें तो हम लोगों को गिवन एक्सप्रेशन मिल जाएगा। इक्वेशन को प्लस करते समय ध्यान देते हैं लेफ्ट को लेफ्ट के साथ और राइट को राइट के साथ, इस बात का हम लोग ध्यान देते हैं। ये हमने कर दिया, राइट को राइट के साथ, 1 का राइट ये है और ये देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है पहले से तो माइनस हो जाएगा, ये 3a+b डिवाइडेड बाई b-a। अब जरा देखिए ये और ये दोनों फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर सेम है, तो अगर आपके पास 6/7 है और ये माइनस है आपका 3/7, दोनों का दोनों लाइक फ्रैक्शन है, अब माइनस करना है चाहे प्लस करना है, तब क्या करेंगे, 7 लिखेंगे 6-3 तो 3 हो जाएगा। तो कुछ यही कंसेप्ट देखिए यहाँ भी है, बोथ फ्रैक्शन विल हैविंग द सेम डेनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर सीधे माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, 3b+a-3a और ये देखिए -b डिवाइडेड बाई b-a और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में है। तो ज़रा देखिए 3b-b 2b हो जाएगा, a-3a तो -2a और ये देखिए b-a, न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले लीजिए तो b-a
और यहाँ देखिए बी माइनस है, तो बी माइनस ए, बी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना है कि बी माइनस ए नॉट इक्वल्स टू जीरो है, यहाँ दीजिएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई क्वांटिटी आप कैंसिल करते हैं, खास करके लिटल कॉफिशेंट, तो दैट लिटल कॉफिशेंट शुड बी नॉन जीरो। मतलब ये हुआ कि ए नॉट इक्वल टू बी है। तो इस तरीके से टू आ गया, तो डैट इज एक्स प्लस थ्री ए अपॉन एक्स माइनस थ्री ए प्लस एक्स प्लस थ्री बी अपॉन एक्स माइनस थ्री बी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो टू आ गई, और यही आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।